13 साल से शादी क्यों गए हमारे? सर मैं कहाँ जाऊँ? एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था। ये मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध, उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए, हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक पति इस वक्त मीडिया के सामने आया हुआ है और ऑन कैमरा अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए गुहार लगा रहा है, वो रो रहा है, बिलख रहा है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से वो अपनी पत्नी को पाने के लिए गुहार लगा रहा है, बहुत ज़्यादा ही तड़पा हुआ है। उसकी बस इतनी ही चाह है कि उसकी बीवी उसे तलाक ना दे, वो उसे वापस मिल जाए। दरअसल जो शख्स आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी बीवी SDM है और उस महिला को या इसकी पत्नी को SDM बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शख्स ही है, ये पति ही है जिसने अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में लगाई, उसके बाद उसे SDM बनाया। लेकिन SDM बनने के बाद बीवी ने कुछ ऐसा रंग दिखाया जिसकी वजह से आज ये हर किसी के सामने रोने को मजबूर हो गया है। इस शख्स का नाम है आलोक कुमार मौर्य। आलोक कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। यहाँ पर अच्छा खासा इनका परिवार था, ठीक ठाक काम चल रहा था। फिर साल 2009 में जो आलोक है उसकी नौकरी लगती है पंचायत राज में 4th क्लास में। अब नौकरी लग जाती है, ठीक ठाक था, घर वाले बोलते हैं अब शादी कर देनी चाहिए। इसी सिलसिले में इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, ज्योति से। ज्योति से मुलाकात होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है साल 2010 में। अब शादी हो जाने के बाद जो लड़की है ज्योति, वो अपने पति यानी आलोक से कहती है कि मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। आलोक की जब बातें सुनता है तो वो खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी कुछ करना चाहती है, मैं तो एक 4th क्लास एम्प्लॉय हूँ पंचायत राज में, लेकिन मेरी बीवी कुछ अच्छा करना चाहती है और मैं इसे वो कराऊंगा। इसी सिलसिले में वो अपनी बीवी को इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज में लेकर जाता है, वहाँ पर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखता है और फिर उसकी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती करा देता है। भर्ती कराने के बाद जो ज्योति है वो भी अच्छी खासी पढ़ाई करती है और फिर साल 2015 में उसका चयन हो जाता है। दरअसल लोक सेवा आयोग में जो महिलाएं थीं उनकी अगर रैंकिंग की बात करें तो उसमें ज्योति 3rd स्थान पर आती है, लेकिन वहीं अगर ओवरऑल की बात करें तो उसमें ज्योति को 16वां जो स्थान है वो प्राप्त होता है। इसके बाद ज्योति की नौकरी लग जाती है, कभी कानपुर, कभी बरेली, कभी प्रयागराज, कई जगह उसकी पोस्टिंग होती है, GM के पद पर वो तैनात की जाती है। और अगर मैं हाल ही की बात करूँ तो इस वक्त वो बरेली में एक चीनी मिल के अंदर बतौर GM के पद पर तैनात है। अब यहाँ तक ठीक था, ज्योति की नौकरी लग गई, उसका पति भी खुश था, घर में हर कोई खुश थे, मिठाई बांटी गई कि हमारी जो बहू है हमारे घर की वो SDM बन गई, पति भी खुश था कि मेरी बीवी SDM बन गई है। यहाँ तक सब ठीक चला। साल 2015 में इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है ज्योति और अपनी नौकरी भी ठीक ठाक करती है। साल 2020 तक इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन 2020 में फेसबुक के ज़रिए जो ज्योति है उसकी दोस्ती या यूँ कहें एक बातचीत शुरू हो जाती है गाज़ियाबाद के जिला कमांडेंट होमगार्ड से। बातचीत शुरू होती है तो इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही क्लोज बातें हो जाती हैं। अब ऐसा कहना है आलोक का, आलोक इस वक्त जो मीडिया के सामने आया है और रो रहा है, वो इस वक्त आरोप लगा रहा है कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसे SDM बनाया और आज वो मुझे ही तलाक देने की बात कह रही है किसी और के लिए। आलोक का कहना है कि साल 2020 में जब ज्योति का किसी और के साथ रिलेशन बना या ज्योति जब किसी और के साथ बातचीत करने लगी, एक जिला कमांडेंट जो होमगार्ड है उसके साथ बातचीत करने लगी, तो मैंने उसके चैट्स पढ़े। चैट्स कैसे पढ़े? आलोक का जो आरोप है वो ये कह रहा है कि एक दिन जो ज्योति ने अपने घर के फोन से फेसबुक को लॉगिन किया और वो लॉग आउट करना भूल गई, बड़ी देर तक फोन रखा था, मैंने ओपन कर लिया और फिर मैंने जब चैट्स देखे तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। वो चैट्स काफी अश्लील थे, इन दोनों की बहुत क्लोज तरीके से बातचीत हो रही थी, अश्लील चैट्स थी और वो देखकर मेरा माथा ठनक गया। इसके बाद मैंने ज्योति से कई चीजें पूछी भी तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, फिर ये मुझे धमकाने लगी, मुझे बोलने लगी कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। और यहाँ तक कि आलोक है वो कह रहा है कि ज्योति का परिवार और जो वो होमगार्ड है वो मुझ पर आरोप लगा रहा है कि
तुम ही गलत हो, और साथ ही वो ये लोग कह रहे हैं कि मुझे जान से मार देंगे। इस तरीके के जो अब आरोप हैं वो आलोक लगा रहा है। आप सबसे पहले आलोक की जुबानी ही सुनिए कि आलोक किस तरीके से परेशान है, कितना वो प्रताड़ित हो चुका है और किस तरीके से वो अपनी बीवी को वापस चाह रहा है और उसके साथ क्या क्या हुआ। शादी के बाद जब उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, वो SDM बन गई, उसके बाद से उसकी लाइफ में क्या हुआ। क्या मामला है, आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके SDM बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला सर? इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर SDM थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना, तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कहकर टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर। इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्या मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला सर? 2010 में ज्योति मौर्या के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पर नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई सर। बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए, वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी दो जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में, और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर, यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए, तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हक हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है, मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी, आपके DPRO से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ सर? इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की, उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ, उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ उनको दिया, फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्या सर के पास गया, उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है, DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं, मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। तो सुना आपने आलोक ने क्या कुछ कहा। आलोक ने बताया कि साल 2022 में 22 दिसंबर के दिन लखनऊ के एक होटल में वो अपनी बीवी को उस होमगार्ड जिला कमांडेंट होमगार्ड जो आदमी था उसके साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है, आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है और ऐसे में जो होमगार्ड है और जो उसकी बीवी है वो उसे धमकी दे देते हैं कि वो उसे जान से मार देंगे। यहाँ तक कि ये सारी बातें आ चुकी हैं। हाल ही में जो आलोक है वो
अभी जो जिला कमांडेंट का एक आयोग होता है वहाँ पर गया, वहाँ पर उसने अर्जी लगाई है, वहाँ पर उसने जो जिला कमांडेंट होमगार्ड था, जो आदमी जिसकी वजह से इसकी बीवी अब इससे दूर हुई है, उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अपनी बीवी के खिलाफ भी कई सारी शिकायतें दर्ज कराई हैं। और जो इनकी व्हाट्सएप चैट और फेसबुक की जो जितनी चैट्स इसके हाथ में लगी आलोक के, वो भी इसने उन्हें मुहैया कराई है। साथ ही मैं आपको एक और बहुत अहम चीज़ बताऊँ कि आलोक ने अपनी बीवी की एक 100 पन्नों की डायरी जो है वो पुलिस को सौंपी है, वो दी है उन्हें, और उसने कहा है कि जो मेरी बीवी है वो अवैध तरीके से वसूली भी करती थी। आलोक का कहना है कि जब बीवी की ये सारी चीज़ें मुझे पता लगी कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है, मैंने उसे किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, उसके बाद मैंने और छानबीन की तो मुझे पता लगा कि जो मेरी बीवी है वो इस तरीके से अवैध वसूली कर रही है। उस कम से कम आलोक बता रहा है कि हर महीने जो ज्योति है वो हर महीने 6 लाख की वसूली करती है। अगर इसके डेटा की बात करूँ, मैं आपको इसका डेटा बताऊँ, तो जो पेज दिया है आलोक ने, जो प्रोवाइड किया, अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं वो पेज, उसमें हर पेज पर एक तो स्वास्तिक बना है, स्वास्तिक बनाने के बाद वो शुभ लाभ लिखती है जो ज्योति है, उसके बाद वो पूरा बही खाता लिखती है, पूरा डेटा लिखती है, उसमें वो लिखती है किसको मैंने कितने पैसे दिए, किससे मैंने कितनी उगाही की, मतलब वसूली के पैसे लिखती है, फिर जिसको ट्रांसफ़र करती है वो पैसे उनके भी नाम लिखे हैं। अगर अक्टूबर के महीने साल 2021 की बात करें तो 6,40,000 रुपए की वसूली ज्योति ने की। और ये सारी खबर जब हमारे ग्राउंड रिपोर्टर आनंद राज उस जगह पर गए, उन्होंने बातचीत की, आलोक से बातचीत की, और जब वो डायरी देखी, जो आप पेजेस देख रहे हैं, ये तब सारी जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं या जो भी ये जितने भी पेजेस हैं ये तब हमें मिले। और इसमें बहुत ही चौंकाने वाली बात है जिस तरीके के आरोप आलोक लगा रहा है। फिलहाल इनकी जाँच होनी बाकी है कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या ये ज्योति सच में वसूली करती थी, किस लिए उसने इस तरीके की डायरी बना रखी है। क्योंकि अगर डायरी के पेज पर देखें तो अक्टूबर साल 2021 में उसने 6,40,000 की वसूली की है, और हर महीने ये एक इंस्पेक्टर है जिसे 15,000 देती है, और एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर है जिसे 16,000 ट्रांसफ़र करती है। तो इन लोगों का भी नाम सामने आ रहा है, इसके लिए पुलिस जाँच कर रही है। लेकिन ऐसे में जब ज्योति का पक्ष जानने की कोशिश की और ज्योति के बारे में पता लगाने की कोशिश किया कि ज्योति मौर्य जो है वो क्या कह रहे हैं इन मामलों में, उनके पति ने उन पर इस तरीके से आरोप लगा दिया है, तो एसडीएम मैडम जो हैं, एसडीएम साहिबा हैं जो हैं, उनका क्या कहना है। तो ऐसे में जो एसडीएम मैडम है ज्योति है, उसका कहना है कि उसके पति के द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं सभी बेबुनियाद हैं, उसका जो पति बोल रहा है, जितनी भी चीज़ें कह रहा है वो सब गलत हैं। साथ ही ज्योति ये भी कह रही है कि मेरा व्हाट्सएप या जो मेरा अकाउंट था वो मेरे पति ने हैक कर लिया और उसने सारी चैट्स वायरल कर दी। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर ज्योति कह रही है कि मेरे पति ने चैट्स वायरल कर दी, तो ज्योति ये चीज़ें नहीं कह रही कि वो चैट्स की किसने हैं, क्या सच में वो चैट्स उस तरीके की हैं, आपत्तिजनक चैट्स हैं, अश्लीलता वाली चैट्स हैं जिस तरीके से बात हुई, और इसी वजह से आलोक नाराज़ है। और अब ज्योति जो है वो अपने पति से तलाक भी मांग रही है। ज्योति कह रही है कि जो मेरे पति हैं वो मुझसे 50 लाख रुपए मांग रहे थे, और साथ ही कह रहे थे कि एक घर तुम मुझे दो, एक तरीके से दहेज। और उसने 2023 में मामला भी दर्ज करवाया अपने पति और 4 लोगों पर कि मुझ एक तरीके से मेरे साथ दहेज उत्पीड़न किया जा रहा है, मुझसे दहेज मांगा जा रहा है। तो ये सारी बातें भी सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में कई सारे लोगों से जब हमने बात की, ग्राउंड पर लोगों से बात की, तो आस पड़ोस के लोगों से बात की, तो सबका ये कहना है कि जो पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी सारी संपत्ति लगा सकता है, वो एक 4th क्लास का एक कर्मचारी था, वो काम कर रहा था, उसने अपनी पत्नी के लिए कोचिंग ढूंढी, बरेली से गया वो प्रयागराज, वहाँ पर उसने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, वो शख्स बाद में इतने साल बाद, मतलब आपकी 10 में शादी हुई, उसके बाद 2023 का जो मामला जब आपने आरोप दर्ज कराया कि दहेज मांग रहे हैं, ऐसा पति, ऐसा शख्स क्यों उस महिला से दहेज मांगेगा, वो भी अब, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन इस मामले में अब देखना होगा कि जो पर्सनल लाइफ है, ज्योति और आलोक की पर्सनल लाइफ जो भी है, कि किसी और शख्स का नाम सामने आ रहा है, वो तो जांच होगी ही, लेकिन एसडीएम के खिलाफ जो एक 100 पेज की डायरी मिली है जिसमें वसूली की बात सामने आ रही है, और अलग अलग इंस्पेक्टर को 15,000 या किसी को 16,000 ट्रांसफ़र करने की जो चीज़ सामने आ रही है, इस डायरी का क्या मतलब है, क्या क्या ये करप्शन की तरफ एक और, मतलब एक कदम था करप्शन की तरफ, ये भी पुलिस जाँच करेगी कि आखिर ये वसूली किस तरीके से हो रही थी, क्या इसमें सच्चाई है जो आलोक ने फिलहाल अभी मीडिया के सामने और पुलिस को ये सारी जो डिटेल है वो मुहैया कराई है, इसके जांच भी पुलिस अब करेगी।